नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। अफगानिस्तान में यूक्रेन के विमान को हाईजैक किए जाने की खबर है। विदेश मंत्री येवगेन येनिन ने ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि हथियार बंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है और इसे ईरान की तरफ ले जाया गया है। हालांकि ईरान ने प्लेन हाईजैक की खबर का खंडन किया है। इनका कहना है कि प्लेन ईंधन भरवाने के लिए ईरान के मशहद शहर आया था। वहीं यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येनिन ने बताया कि रविवार को कुछ लोगों ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया। मंगलवार को इसे अज्ञात यात्रियों के साथ ईरान ले जाया गया है। इसमें यूक्रेन के वे लोग नहीं हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए हमने विमान भेजा था। अपने लोगों को निकालने की हमारी अगली 3 कोशिशें भी नाकाम रही क्योंकि हमारे लोग काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब वहां की हेरिटेज साइट को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखे लोगों के ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में दावा किया गया है कि तालिबानियों ने गजनी प्रांत के एंट्री गेट को क्रेन से तोड़ दिया है। ये गेट इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की याद में बनाया गया था। दूसरी तरफ खबर है कि तालिबान ने एक और इटली यूनिट बनाई है जिसका नाम विक्ट्री फोर्स या फतेह रखा है। तालिबान के साथ लगे अमेरिकी हथियारों और सैन्य उपकरणों से इस फोर्स को लैस किया गया है। फिलहाल इसकी यूनिट को काबुल में तैनात भी किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बीच काबुल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। इसे ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस मिशन के तहत आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का A1 1956 विमान ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से दिल्ली पहुंचा है। इसमें 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगानी सिख भी शामिल है। इस विमान में काबुल के गुरुद्वारों से निकाले गए 3 गुरु ग्रंथ साहिब भी लाए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।